हेलो एवरीबडी इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द सैंड रिप्लेसमेंट मेथड देखो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड कहाँ काम आता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए तो सॉइल का आपको आपको मैंने सॉइल दी और मैंने बोला कि सॉइल का आप ना यूनिट वेट निकालो यूनिट वेट अब यूनिट वेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको यूनिट वेट क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको पता है डेंसिटी आपने सुना होगा जिसको आप रो से या फिर डी से रिप्रेजेंट करते हो तो डेंसिटी क्या होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम किस कि किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है उसका रेशियो हम उसको डेंसिटी बोलते हैं लेकिन अगर मैं मास की जगह बात कर दूँ वेट की एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिट वेट जिसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं तो एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना वेट मौजूद है उसको हम बोलेंगे यहाँ पे गामा या फिर यूनिट वेट अब यूनिट वेट निकालना है हमको सॉइल का तो यूनिट वेट तो भाई निकाल लेते हैं इजिली इसमें सैंड रिप्लेस करने की क्या जरूरत है तो ध्यान से देखो फॉर एग्जांपल एक कोई हार्ड सॉइल है जिसको कोर कटर मेथड आपने सुना होगा नहीं सुना तो आप वीडियो जाके देख सकते हो पड़ी हुई प्ले लिस्ट में तो कोर कटर मैथड सॉफ्ट सॉइल के लिए तो काम आ जाता है लेकिन हार्ड सॉइल में कोर कोर कटर मतलब कट नहीं कर पाता तो इस कंडीशन में ये मान लेते हैं ये सरफेस है आपकी ठीक है दिस इज सरफेस इस सरफेस पे आपको क्या करना है इस सरफेस पे आप गए और यहाँ से एक सॉइल को खोदा आपने डिक किया डिक करने के बाद में यहाँ से सॉइल जो निकली उसको आपने निकाल लिया और उसका वेट कर लिया तो चलो वेट तो आ गया तो आपको तो क्या निकालना था यूनिट वेट तो वेट तो आ गया लेकिन ये जो स्पेस इस है इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे ये पंगा है बिल्कुल एग्जैक्ट वॉल्यूम आप बोलोगे कि मेज़र कर लेंगे उसकी बिल्कुल डेप्थ को फिर उसके डायामीटर को फिर पाई आर स्क्वायर एच लगा देंगे मतलब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर लगा देंगे हमको एग्जैक्ट चाहिए बिल्कुल बिल्कुल एक एक सेंटीमीटर स्क्वायर एक एक सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू चाहिए हमको तो उसके लिए ही हम यूज़ करते हैं सेंड रिप्लेसमेंट ठीक है तो किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि उस सॉइल का वॉल्यूम निकालने के लिए अब आगे जाओगे तो पता चलेगा कैसे करते हैं अब ध्यान से देखो सबसे पहले लैब में जाते हैं और एक चीज़ लेते हैं जिसका नाम होता है सेंड उस जो जिस सॉइल का यूनिट वेट निकालना है उसकी तो अभी बात ही नहीं हो रही हम सेंड लेते हैं एक स्टैंडर्ड सेंड कैसी होनी चाहिए सेंड सेंड ऐसी होनी चाहिए जो एक एम एम से तो पास हो जाए और 600 माइक्रोन पे अटक जाए मतलब रुक जाए सी यू से ऐसी एक सेंड हम सैंपल लेते हैं कितनी लेते हैं बहुत सारी लेते हैं लेने के बाद में क्या करते हैं ये इंपॉर्टेंट है सेंड ले लिया आपने याद रखना है वन एम mm और सिक्स हंड्रेड माइक्रोन माइक्रोमीटर का मतलब समझते हो ना माइक्रोन का मतलब समझते हो ना टेन की पावर माइनस सिक्स मीटर को हम बोलते हैं माइक्रोन तो इतनी आप इस रेंज में आपको क्या लेनी है सैंड लेनी है कि वन एम mm से पास हो जाए लेकिन सिक्स हंड्रेड एम एम रिटेन कर जाए सिक्स हंड्रेड माइक्रोन पे रिटेन कर जाए ऐसी आपको सैंड लेनी है ले ली लेके आप लैब में पहुँच गए वहाँ पर एक टूल होता है जिसको कैलिब्रेटिंग टूल बोलते हैं जो कि कुछ इस सिलेंड्रिकल टाइप का शेप होता है इसका एग्जैक्ट फिक्स हाइट और डाया होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं पहला स्टेप होता है जो हमने सेंड लिया है ना उस सेंड का ही क्या निकालना है हमको यूनिट वेट निकालना है उस सेंड का अब आप बोलोगे कि सेंड का यूनिट वेट क्यों निकालना है अभी धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा एक मिनट के बाद में तो सबसे पहले हम इसका सेंड का यूनिट वेट निकालेंगे तो सेंड का वेट पर यूनिट सेंड का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा तो देखो ध्यान से आप इसके अंदर सेंड भरने वाले हो तो आप वॉल्यूम तो इस सिलेंडर का दिस इ, दिस पार्ट इज सिलेंड्रिकल पार्ट और ये एग्जैक्टली सेम शेप और सेम हाइट का होता है तो हम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के फॉर्मूले से हम इसका वॉल्यूम तो निकाल लेंगे तो वॉल्यूम हमने निकाल लिया लेकिन बात आएगी कि वेट कैसे निकालेंगे इसके अंदर जो हमने सेंड डाली है उसका वेट कैसे निकालेंगे है ना हमको सेंड का यूनिट तो वेट निकालना है ना तो वॉल्यूम तो हमने इजीली निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि होता है पाई एच डी स्क्वायर वाई फोर या पाई आर स्क्वायर एच जो कि हम देखते हैं कि रफली एक हज़ार सेंटीमीटर क्यूब आता है है ना रफली याद रखना रफली एक हज़ार सेंटीमीटर क्यूब होता ही होता है जरूरी नहीं एक हजार है, गे 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 थो 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 है एक हज़ार सेंटीमीटर क्यूब हो लेकिन हम रफली मानते हैं कि उसका जो वॉल्यूम लैब में टेस्ट किया हुआ है वो एक हज़ार सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है तो यहाँ पे एक हजार तो वॉल्यूम आ गया लेकिन वेट कैसे निकालोगे जो आपने इसमें सॉइल डाली है उसका कैसे निकालोगे उसके लिए हम एक और कंटेनर लेते हैं जो कि कुछ ऐसा दिखता है ध्यान से देखो ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है जिसके बॉटम पे एक कॉनिकल शेप का बोल सकते हो बॉटम कॉनिकल शेप का होता है और कॉनिकल शेप के ऊपर छोटा सा छेद होता है लेट मी जूम फॉर यू देखो ये कॉनिकल शेप में यहाँ पे छेद होता है जो जब जैसे तो ही आप इसमें सैंड डालोगे तो यहाँ से ये बाहर निकल सकती है क्या बाहर निकल सकती है जो आप सैंड डालोगे वो निकल सकती है और ये जो पार्ट होता है वो शटर होता है बोल सकते हो कि एक इस तरीके का बटन होता है जिसको आप स्विच ऑन करोगे तो सेंट जो है वो नीचे जाने लग जाएगी बंद करोगे तो सेंट रुक जाएगी ठीक है इस तरीके का इसका सिस्टम होता है तो देखते हैं इसके बाद में ये कंटेनर लेने हमको क्या कर क्या करना था हमको वेट निकालना है ठीक है उसके लिए इतना ताम झाम कर रहे हैं अब क्या करेंगे इसको भर देंगे किससे भर देंगे भाई जो सेंड ली थी ना हमने एक एम एम और 600 माइक्रोन वाली उससे इस पूरे के पूरे सिलेंडर को भर देंगे भर दिया भरने के बाद में इस टूल के ऊपर इस सिलेंडर को रख देंगे और शटर को कर देंगे ऑन अब क्या होगा जो सैंड होगी ना वो पूरी की पूरी इसके अंदर भर जाएगी ये यह जो यहाँ से कॉर्निकल शेप में जो बन जाएगा इस तरीके से ये पूरा का पूरा फिल हो जाएगा भाई ठीक है जैसे आप चालू करोगे उसको शटर को ऑन करोगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा सॉइल इस तरीके से पूरी जो सैंड आपने ली थी वन एम एम और सिक्स माइक्रोन वाली वो पूरी की पूरी यहाँ पर भर जाएगी भरने के बाद क्या होगा कुछ इस तरीके की कंडीशन आएगी सेंड जो होगी वो हो, जैसे आपका जाना बंद होगा आप रोक दोगे उसको ऑफ कर दोगे शटर को और उसके बाद में यहाँ पे कुछ इस तरीके के आपके पास में वैल्यू आ जाएगी अब आपको वेट पता करना है कि कितना वेट इस सॉइल का कि सिर्फ इतनी सॉइल का है ना इस इस सॉइल का कितना वेट है वॉल्यूम आप निकाल चुके हो वेट आपको पता करना है तो वेट निकालने के लिए हमने इसको अलग कर लिया जैसे हम अलग करेंगे तो कुछ ऐसा हमको शेप दिखेगी जिसके ऊपर एक कॉनिकल शेप होगा और नीचे पूरा सॉइल भरा होगा ठीक है इस तरीके से यहाँ पे सॉइल भरा होगा ऊपर एक कॉनिकल सॉइल का हीप होगा बची हुई जो सॉइल है सिलेंड्रिकल टैंक में जो सिलेंड्रिकल कंटेनर था उसका हम वेइंग कर लेंगे उसका वेट कर लेंगे जिसको डब्ल्यू वन नाम दे सकते हो अब हमें निकालना है क्या अब हाँ हमें निकालना है ये जो मैंने रेड कलर से पूरा किया ना इस एरिया में कितना वेट है ना कि ऊपर वाला कॉनिकल शेप तो कॉनिकल को भी हटाना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा तो कॉनिकल शेप में कितना वेट होगा इसको मेजर करने के लिए कुछ नहीं एक ग्लास शीट लेनी है उसके ऊपर वही सेम साइज़ का सेम साइज़ का कॉन आपको यहाँ पे पोर कर देना है मतलब डाल देना है और उसका भी क्या कर लेना है आपको वेट कर लेना है वेट करने के बाद में आपको अगर सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट का वेट निकालना है तो पूरे कंटेनर में से जिसको डब्ल्यू वन बोल दे सकते हैं उसमें से जो रिटेन जो रिमेनिंग सॉइल है उसको माइनस कर दूंगा तो किसका वेट आएगा पता है इस कॉनिकल का प्लस में नीचे वाले का लेकिन इसमें से अगर कॉनिकल का भी माइनस कर दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ जो नीचे वाले जो आपका सिलेंड्रिकल जो टूल था नीचे सिर्फ सिलेंड्रिकल टूल था उसका वेट आपके पास में आ जाएगा जिसको मैंने डब्लू ए नाम दे दिया यही तो निकालना था तो यूनिट वेट क्या होता था सेंड का यूनिट वेट क्या होगा वेट ऑफ द सेंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सेंड तो वॉल्यूम हमने निकाला था उस वॉल्यूम में कितना वेट है वो अभी हमने निकाल लिया जिसको हमने डब्ल्यू ए से रिप्रेजेंट किया अब बोलोगे ये क्या काम आएगा हमें तो निकालना सॉइल का था अब हम जाएंगे फील्ड पे फील्ड पे जाके जहां से सॉइल निकालनी उसको थोड़ा साफ करेंगे और वहां पर एक प्लेट लेंगे कुछ इस तरीके की एक प्लेट होती है हमें निकालना क्या है दोबारा बता रहा हूँ मुझे निकालना है यूनिट वेट ऑफ द सॉइल और सॉइल का यूनिट वेट होता है वेट ऑफ सॉइल और जो वेट है उसके अंदर वॉल्यूम कितना है या बोल दो कि जो वॉल्यूम है उसके अंदर वेट कितना है ये आपको निकालना है तो इस प्लेट को रखेंगे सीधा रखने के बाद में इसको खोदना स्टार्ट करेंगे इस मिट्टी को जैसे ही खोदना स्टार्ट करेंगे तो कितना खोदेंगे भाई इसको पंद्रह दस से पंद्रह सेंटीमीटर तक आप डिक करोगे खोदना स्टार्ट करोगे और जो सॉइल निकलेगी उसको इस प्लेट पर रह कर एक भी एक भी आपका जो मॉलिक्यूल है एक भी पार्टिकल है वो बाहर नहीं जाना चाहिए पूरा इस प्लेट पर रहना चाहिए इस प्लेट को उठा के आप क्या कर लोगे वेट कर लोगे मतलब उस सॉइल का वेट आ गया तो वेट का काम तो आपका हो गया आपको अब निकालना है क्या वॉल्यूम निकालना है कि इस खोदी हुई जगह का वॉल्यूम कितना है एग्जैक्ट बिल्कुल राइट right वैल्यू तो क्या करेंगे इस कंडीशन में इस कंडीशन में कुछ नहीं करना दोबारा से आपको वही ही वो जो सिलेंड्रिकल जो कंटेनर था वही लेके आना है और सिलेंड्रिकल कंटेनर को लाके इस जो आपने होल किया है जो आपने यहाँ पे खोद के निकाली है मिट्टी इसके अंदर डाल देना है आप बोलो कि ऐसा क्यों कर रहे वेट समझ आएगा डालने के बाद में हटा लेना है हटाने के बाद में आपको कुछ ऐसी कंडीशन मिलेगी अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए सिर्फ इतने पार्ट का वेट चाहिए आप बोलोगे इतने पार्ट का वेट तो पहले ही निकाल लिया ना अभी क्यों निकाल लें वॉल्यूम निकालने के लिए निकाल रहे हैं आप बोलोगे वॉल्यूम कैसे निकालेंगे देखते जाओ वॉल्यूम ऐसे निकालेंगे इसका इस सेंड इस का वेट निकाल लिया कि इस सेंड में कितना वेट है कैसे पूरे कंटेनर का वेट रिमेनिंग पार्ट का वेट और उकोन का वेट माइनस करने के बाद में आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस पार्ट का वेट मिलेगा इसके बाद क्या करना है अब इसके बाद क्या करना है ध्यान से सुनो इसका वेट आ गया और आपको पता है कि सेंड का वेट आपके पास में है और सेंड का जो यूनिट वेट था वो लैब में निकाला था आपने यूनिट वेट ऑफ द सेंड निकाला था ना जो कि क्या होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है आपके पास में वेट है वॉल्यूम नहीं है तो वॉल्यूम क्या होगा वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ द सेंड क्लियर हुई बात वेट कौन सा वेट ये वाला वेट जिसके अंदर आपने सेंड डाली है उसका वेट जो निकाला था वो और यूनिट वेट ऑफ सैंड कांस्टेंट रहती है बदलती नहीं है चाहे लैब में निकालो कहीं निकाल लो वो तो एग्जैक्ट सेम ही रहेगी पार्टिकल्स तो सेम ही रहेंगे ना तो उसका यूनिट वेट से जब डिवाइड करोगे तो जो वो ये एग्जैक्ट वॉल्यूम है कौन सा वॉल्यूम ये वाला जो वॉल्यूम होगा ये वाला जो वॉल्यूम होगा वो आपके पास में आ जाएगा वेट तो आपने इस प्लेट का निकाल ही लिया था वॉल्यूम अभी अभी निकल गया तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम यही तो होता है तो अब निकाल सकते हो आप सॉइल का यूनिट वेट जो कि होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूम कैसे निकाला देखो वेट तो बहुत ईजी था प्लेट को आपने तोड़ लिया वेइंग uh, मशीन पे रखे और आपके पास वेट आएगा वॉल्यूम निकालने के लिए आपने ये वाला फॉमूला यूज़ किया सेंड का यूनिट वेट यूज़ किया सेंड का यूनिट वेट क्यों निकाला था मैंने इसी लिए निकाला था आई होप आपको समझ में आ गया होगा दिस इज कॉल्ड द सेंड रिप्लेसमेंट मैथड इफ यू हैव एन डाउट प्लीज लेट मी नो इन इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू